सो माई फ्रेंड्स वन मोर वीडियो विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यस गाइज इसे आप सीयूसी को कह दो या फिर सीयूटी दोनों सेम है कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको सीयूटी और सीयूसीटी के बीच में ओके okay, अब सीयूटी को ही अप्लाई करना है आपको सीयूसीईटी के लिए जाओगे तो सीयूसी ट्वेंटी वन की वेबसाइट ओपन होने वाली है आपको क्या वे करना है सीयू टी डॉट समर्थ डॉट ए सी डॉट इन उस वेबसाइट पर जाना है और वही रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन को लेकर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वाली वीडियो मैंने बना रखी है नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर स्लॉट वन में कौन से सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं एंड स्लॉट दू क्या एक्चुअली चूज करना है अगर हमें डोमेन स्पेसिफिक देने हैं या नहीं देने हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज आपको सेलेक्ट करनी है आप एक यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हो लाइक डेल्ही यूनिवर्सिटी ओके या फिर आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी देख रहे हो जस्ट लाइक बी एच यू अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आप कोई रिस्पेक्टिव प्रोग्राम चूज कर रहे हो तो उसकी एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम विथ रिस्पेक्ट टू दी एच यू उसके लिए भी एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओके okay, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने रिस्पेक्टिव कोर्स को देखना है आप कौन सा कोर्स परसू करना चाहते हो राइट सो इन डिटेल बात करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सो स्टेट ओन विद मी थ्रू आउट दिस वीडियो एंड गाइज वन मोर थिंग काइंडली सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल क्योंकि यहां सी टी को लेकर बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो सबसे पहले हिट दी लाइक बटन गाइज क्योंकि यहां मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियो और जहां मैं आपको प्रोवाइड करूँ सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सी टी ओके दिस न्यू यूट्यूब चैनल मैन ओर बीबी जहां बीबीए रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं प्लेसमेंट वीडियोस फी स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी ऑल द इनफॉर्मेट वीडियोस एंड ऑल अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू द बीबीए एंट्रेंस नाउ बैचर्स भी ऑलरेडी लॉन्च सो अगर आपको सी सी के लिए प्रिपरेशन करना है गाइस Then kindly join us at so kindly join us. We have started our crash course program from the April month. So call on respective numbers and book your seat right now. You will also get the preparation for IPMAT, ZipMats, UET, pad SET, Saint Xavier's, and various other interest exams. You will get all these features: live class, books, study material, shortcut tricks, doubt class, recorded videos, topic tests, mock tests, WhatsApp group, 10,000 plus questions in the practice and the mentorship, guys. ये सारे इंपॉर्टेंट है यू विल गेट कंप्लीट मोटिवेशन थरली कॉग्निटिव इफेक्ट एंड वन मोर थिंग, गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस का कोई भी क्राइटेरिया अगर इंक्लूड होगा यू विल गेट प्रिपरेशन फॉर सेम ऑल्सो सच एज दैट जी डी ऑफीआई इनके लिए भी आपको प्रिपरेशन मिलने वाला है सो लेट्स विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट और हम बात करेंगे स्लॉट वन एंड स्लॉट टू को लेकर दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट सी डॉट डॉट ए सी डॉट इन ओके बस इसी वेबसाइट पर आपको आना है गाइस ओके फॉर्म फिलिंग को लेकर मैंने वीडियो बता दिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो यहां ओके okay? कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जाना है आपको आप यहां एंटर कर सकते हो लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्ही सो कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आपको जाना है आप यहां सर्च कर सकते हो लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्ही तो यहां आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली राइट Now, अगर आपको रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज देखनी है कि कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है आप देख सकते हो लिस्ट व्यू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी असम यूनिवर्सिटी लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ओके okay, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जम्मू झारखंड कर्नाटका कश्मीर केरला उड़ीसा काफी सारी यूनिवर्सिटीज है इस ओके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भी यहाँ है ओके okay, सो so, ये देखिए अदर यूनिवर्सिटीज बी एम एल मुंजल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जयपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है गाइज यहाँ ओके सो so, अब क्या करना है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज को सर्च कर लो लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओके अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये प्रोग्राम लिस्ट हो गई गाइज पूरी ओके कौन सा प्रोग्राम है ओके कौन सी डिग्री है प्रोग्राम ऑफर्ड है डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप टू दी प्रोग्राम्स आपको कौन से कौन से डोमेन सेलेक्ट करने हैं और उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है ओके सो सी वही अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो यहां कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं जाने वाले गाइज अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आप भूल जाओ आप बीएससी नहीं कर पाओगे ओके okay? नाउ क्योंकि आपको जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो चूज करने होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ओके okay? जब आप ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करोगे देन ओनली यू आर एलिजिबल टू एंटर इंटू दी यूनिवर्सिटी ऑफ डेली फॉर बीएससी प्रोग्राम सेम आपको ये सारे जो रिस्पेक्टिव कोर्सेस हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेनी बी एस सी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो प्लस मैथमेटिक्स आपको चूज करना है और एनी टू फ्रॉम सेक्शन टू डोमेन स्पेसिफिक से कोई भी दो सब्जेक्ट्स आप दे दो ओके मैथमेटिक्स चूज करना बहुत जरूरी है राइट right? सेम आप यहां देख सकते हो बीएससी ऑनर्स फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी अगर बायोलॉजी नहीं है मैथमेटिक्स ओके सो आप ये चूज कर सकते हो आपको रिस्पेक्टिव जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो यहां देख लेनी है गाइस सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम को यहां सर्च करना है लाइक like, अगर आप बी ऑनर्स के को कोई प्रोग्राम्स देख रहे हो लाइक like, बी ऑनर्स बी इन संस्कृत ओके okay? अब यहां क्या चूज करना है आपको एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन सेक्शन वन से आप इंग्लिश चूज कर लो हिंदी मराठी जो आपकी लैंग्वेज है ओके okay, वो आप चूज कर लो संस्कृत फ्रॉम सेक्शन वन और सेक्शन टू ओके सो सेक्शन वन से भी संस्कृत चूज कर सकते हो और सेक्शन टू से भी एनी टू फ्रॉम सेक्शन टू और संस्कृत फ्रॉम सेक्शन वन ओके प्लस एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन टू और एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन थ्री फ्रॉम सेक्शन टू ओके गाइस सो काफी सिंपल है यहां आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो कोई भी डोमेन चूज कर सकते हो लेकिन आपको संस्कृत चूज करना जरूरी है ओके okay? काफी सिंपल है सीओ वही बी ऑनर्स इंग्लिश अगर आप बी ऑनर्स इंग्लिश परस्यू करना चाहते हो आपको क्या करना है लैंग्वेज वन में से इंग्लिश चूज करना है एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन टू कोई भी थ्री ले लो एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट वन लिस्ट बी वन एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट बी वन और लिस्ट बी टू ओके काफी सिंपल है गाइस एक और वीडियो आने वाली है सी यू यूट एक और वीडियो आने वाली है गाइस को लेकर जहां मैं कंप्लीट कंफ्यूजन के ऊपर बात करने वाला हूं तो जो भी आपके डाउट्स है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए और यहीं के कमेंट्स को लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जितने भी कंफ्यूजन है आप कितने प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो स्लॉट वन में क्या एंटर करना है स्लॉट टू में क्या करना है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड योर प्रोग्राम और उसके बाद आपको सर्च करना है कि डोमेन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है राइट right? सो so कैसे करोगे लेट्स सी ओवर वै जिस्टर सो फॉर्म फिलिंग तो मैंने कर लिया है जस्ट लेकिन साइन इन इंटर एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड नाउ सीओव सो यह पर्सनल डिटेल्स मैंने फिलअप की थी राइट देर एजुकेशनल डिटेल्स एंड वी हैव टू कम एट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेलेक्शन सारे प्रोग्राम सेलेक्ट किए थे राइट ओके प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन अब यहां मुझे बता रहा है टेस्ट पेपर डिटेल्स सो सीओव अगर मुझे चूज करना है बी ए इन इंग्लिश एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन टू राइट एंड इंग्लिश फॉर दैंग्वेज सो मैं क्या करूंगा इंग्लिश तो मैंने चूज कर ही लिया है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में यहां कोई भी चूज कर सकता हूं तो मुझे यहां क्या करना है सिर्फ अपडेट करना है राइट right? सो so, यहां में एनी टू तो एनी टू में मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं लाइक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मुझे यहां मैंने सपोज चूज कर लिया अगर मैं बी ऑनर्स का स्टूडेंट स्टूडेंट्स लाइक जोग्राफी मैंने चूज कर लिया और यहां मैंने चूज कर लिया हिस्ट्री ओके डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट जनरल टेस्ट के लिए मुझे यहां नहीं पूछा है गाइस ओके okay? यहां जनरल टेस्ट के बारे में कुछ नहीं है ओके okay? सेक्शन के बारे में सो so, मुझे क्या करना है यहां नो no कर देना है दैट्स इट स्लॉट स्लॉट टू टू मुझे फील करने की जरूरत ही नहीं है अब मैं क्या करूंगा ओके यहाँ सेव कर दूंगा डिटेल्स तो क्या होगा कि मुझे सिर्फ सिक्स फिफ्टी रुपीज पे करने हैं बींग एज अ ओपन कैटेगरी कैंडिडेट मैंने इंग्लिश चूज किया है ज्योग्रफी एंड हिस्ट्री बस अब स्लॉट वन के लिए ही मुझे एग्जाम देना है जनरल टेस्ट मैं नहीं दे रहा हूं इनकेस अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे जनरल टेस्ट मांगती है तो आपको क्या करना है जनरल टेस्ट के लिए यस yes कर देना है और जितनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज आप सेलेक्ट करोगे उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे तो आपको क्या करना है गाइस स्लॉट वन और स्लॉट टू अकॉर्डिंगली चूज करना है इन केस एक प्रोग्राम है लाइक बीवॉक बीवॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ओके एंड इट इज फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सो यहां क्या करना है इंग्लिश चूज करना है फिजिक्स केमेस्ट्री बायो ये आपका डोमेन स्पेसिफिक हो गया एंड मैथमेटिक्स ओके सो मैथमेटिक्स भी यहां आपको सेलेक्ट करना है सो लेट्स सी ओ व अब यहां मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूं ओके okay, यहां मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूं फिजिक्स केमेस्ट्री एंड बायो फिजिक्स ओके दे आफ्टर केमिस्ट्री जनरल टेस्ट मुझे देना है नहीं एज पर दिस रिक्वायरमेंट यहां मुझे जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है तो मैं यहां जनरल टेस्ट जनरल टेस्ट के लिए नो no कर दूंगा ओके एंड नाउ इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अब बायो मुझे सेलेक्ट करना है तो डोमेन स्पेसिफिक में मैं यहां बायोलॉजी सेलेक्ट कर लूंगा ओके okay? यहां मैंने सेलेक्ट कर लिया बायोलॉजी सो so, यहां हो गया इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अब मुझे सेलेक्ट करना है मैथ्स राइट सो ये कंडीशन हो गए इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स सो ये मैंने सारे यहां सेलेक्ट कर लिए इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स राइट सो स्लॉट वन एंड स्लॉट टू दोनों हो गए बाकी जो चीजें हैं वो आप नॉट एप्लीकेबल रख सकते हो राइट right? अब मैं जब सेव करूंगा तो अब मुझे पे करने होंगे थर्टीन हंड्रेड रुपीज सो so, सेम आपको क्या करना है सबसे पहले यूनिवर्सिटीज चेक कर लेनी है अब यहां सिर्फ इंग्लिश जनरल टेस्ट दिया अगर आप बी ए ऑनर्स विमेन स्टडीज से करना चाहते हो या बी ए ऑनर्स हिंदी आपको क्या करना है सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो उस समय क्या करोगे आप यहां आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया ही है राइट right? और बाकी सबको आप कर दोगे नॉट एप्लीकेबल यहां करना है जनरल टेस्ट को यस yes. यहां सारे को करोगे नॉट एप्लीकेबल ओके सो सिर्फ स्लॉट वन के एग्जाम आपको देनी है इंग्लिश और जनरल टेस्ट दैट्स इट ओके गाइस सो काफी सिंपल तरीका है स्लॉट वन और स्लॉट टू को पहचानने के लिए आपको क्या करना है अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को सर्च करना है उनके प्रोग्राम्स देखने हैं और उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को देखनी है दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज अगर अभी भी कोई डाउट्स है देन आस्क आस्मिन बिलो कमेंट सेक्शन उन सारे कमेंट्स को लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं ओके okay? आपके सामने लाने वाला हूं कंफ्यूजन अबाउट दी ओ सीईटी और सीओटी ओके गाइज सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड प्रिपरेशन को लेकर अभी भी कोई दिक्कत है गाइज दैन कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर एंड बुक योर सीट एट बोरीवली वसाई एंड दादा सेंटर फॉर क्लास रूम कोचिंग पैन इंडिया स्टूडेंट्स यू कैन एन एन ट्रैक लाइव विद कॉल ऑन ट्रेट टू एट फाइव एट वन फोर फाइव फाइव फॉर आल एक्जाम अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन फॉलो अवर सोशल मीडिया हैंडल सच यूट्यूब फेसबुक इंस्टा यू कैन ऑलो जो अवर टेलीग्राम ग्रुप सो दैट्स ऑल गाइज ऑल द बेस्ट फॉर करियर सी ओन नेक्स्ट वीडियो